आइए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ पॉट और कुछ गमले जो हमने घर पे ही बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये अभी हमने कल ही बनाए हैं, इस तरह के आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे से पॉट बनाए हैं, जो जेड प्लांट होते हैं उनके लिए ही हमने बनाए हैं। जेड प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, तो उन जेड प्लांट के लिए हमने ये पॉट बनाए हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादा गहरे नहीं हैं, ये 1.5 से 2 इंच का पॉट होगा। इसी तरह से हमने आप देख सकते हैं कई पॉट बनाए हैं ये जेड प्लांट। इन पॉट में हम लगाएंगे, कभी वीडियो बनाएंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी हमारे गमले हैं और जितने भी हमारे पॉट हैं ये हमने घर पे ही बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने स्टैंड भी बनाया है गमले को रखने के लिए। एक ये पॉट बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं स्नेक प्लांट हमारा लगा हुआ है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये एक गमला बनाया है हमने, ये 8 से 10 इंच का गमला होगा ये। और इसमें आप देख सकते हैं हमारी तुलसी जी लगी हुई हैं, इतनी अच्छी हेल्दी हमारी तुलसी जी हैं। कुछ गमले हमारे ये हैं, ये आप देख सकते हैं जो कपड़े से बनाए जाते हैं, ये वही गमले हैं जो हमने कपड़े से बनाए हैं। ये देखिए ये छोटा सा पॉट है, इसमें स्नेक प्लांट लगाया है। और एक ये है, ये भी कपड़े से बनाए जाते हैं, ये हमने रुमाल से बनाए हैं। और एक ये आप देख सकते हैं हमारा, इसमें भी स्नेक प्लांट लगा है। और एक ये पॉट बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं हमारा एलोवेरा लगा है। कितने हेल्दी हैं हमारे प्लांट, इन सभी प्लांटों में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं। आइए कुछ गमले हम आपको और दिखाते हैं जो काफ़ी बड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े गमले हमने बनाए हैं, इनमें हम बहुत बड़े बड़े से प्लांट लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक प्लांट हमने हरसिंगार का लगाया है, ये अभी काफ़ी छोटा प्लांट है। ये काफ़ी बड़ा पेड़ होता है तो इसके लिए हमें काफ़ी बड़ा गमला चाहिए होता है। तो ये देख सकते हैं आप हमने कितना बड़ा गमला बनाया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमने कितने सारे गमले घर पे ही बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो दो पॉट हैं हमारे, इनमें हमने स्टोन लगा दिए हैं। जो हमारे पॉट हैं वो और भी सुंदर दिखने लगे हैं। आप कमेंट करें और हमें बताएं कि ये वाइट ही सुंदर लग रहे हैं, हमारे जो पॉट हैं इनमें हम कौन सा कलर करें, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं हमें बताकर कि इनमें हम ये जो हमारे पॉट हैं इनमें हम कौन सा कलर कर सकते हैं जिससे ये और भी सुंदर लगे। तो हमारे पास कई पॉट हैं जो अभी हमने एक साथ बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं और हमें बताइए आप कमेंट करके कि इनमें हम कौन सा कलर करें जो हमारे ये पॉट हैं वो और भी सुंदर दिखें। अगर आपको हमारे पॉट अच्छे लगे हैं और आप चाहते हैं कि पॉट बनाने का वीडियो आपके साथ शेयर करें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे कि पॉट को किस तरह से हम घर पे बना सकते हैं बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे मजबूत। घर पे जब हम बनाते हैं तो बहुत ही मजबूत हमारे ये जो होते हैं, अगर हम इसमें ज़्यादा सीमेंट डालेंगे तो ये कभी भी हमारे जो पॉट हैं वो कई साल तक ख़राब नहीं होंगे। तो घर पे आप इनको मन चाहे आकार भी दे सकते हैं और जितना चाहें उतना इसमें सीमेंट डालकर इनको बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ये जो पॉट हैं, अगर आपको हमारे पॉट अच्छे लगे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।